किसी भी शेयर का चार्ट पे आप चल जाओ, आप देख सकते हो जो चार्ट है एक पैटर्न वाइज मूव कर रहा है, उसी पैटर्न को आपको समझना होगा कि इस लेवल से आप उसको परचेस कर सकते हो। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, अगर ये शेयर आपका पोर्टफोलियो में नहीं है ना, तो आपका पोर्टफोलियो कभी भी बुलेट प्रूफ पोर्टफोलियो नहीं हो सकता। फर्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पर इस शेयर का जो प्राइस है 4470.75, ये देख के आप पूरी तरह से इसको कैंसिल कर देते हो और कोई छोटा सस्ता वाला शेयर को परचेस कर लेते हो। मगर आपको देखना होगा कि अगर आप एक दो शेयर लेते हो ना, सिर्फ 5 मंथ में आपका जो पैसा पूरी तरह से डबल करके देता है। इसके साथ साथ अभी ये जो शेयर है किस रेंज पे है, इसका फंडामेंटल, इसका होल्डिंग्स, इसका टेक्निकल एनालिसिस सारा कुछ मैं यहाँ पर इस वीडियो में दिखाने का कोशिश करता हूँ। चलो फर्स्ट में यहाँ पर इसका फंडामेंटल देख लेता हूँ। इसका मार्केट कैप स्ट्रांग है, पी रेशियो ए भी स्ट्रांग है, पी बी या डेप्थ ऑफ इक्विटी ना है, पूरी तरह से ना है, कोई भी कर्जा नहीं है इस शेयर के ऊपर, आर ओ ई और ई पी एस सही है। ये देख के मुझे लग रहा है कि इस शेयर में अभी रिसेंटली प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगा, ये शेयर भागने वाला है। चलो इसके साथ साथ मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ इसका जो होल्डिंग्स है, प्रोमोटर्स, फॉरन इंस्टीट्यूशंस और रिटेलर्स, ठीक है। मैं देखने का कोशिश करूँ टाइम के साथ साथ इस शेयर का जो प्रोमोटर्स है वो टाइम के साथ साथ एक बार भी नहीं हिला, और फॉरन इंस्टीट्यूशन मैं देखने का कोशिश करता हूँ 11 था, मार्च पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, उसके साथ साथ जून पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ फॉरन इंस्टीट्यूशन इस लेवल से, उसके साथ साथ रिटेलर्स एंड अदर्स पूरी तरह से इंक्रीज हुआ। उसके साथ साथ मैं देखने का कोशिश करता हूँ कि ये काम क्या करता है। चलो यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इज अ कंपनी इज एंगेज डिवीजन डेवलपमेंट मैन्युफैक्चर रिपेयर ओवरऑल अपग्रेड सर्विस विद अ वाइड रेंज प्रोडक्ट एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर एरो इंजिन रेडर ये सारा कुछ में काम करता है। इसका जो सर्विसिंग है एक स्ट्रांग लेवल है, तो इस शेयर को आप लॉन्ग टर्म के लिए 100% होल्ड कर सकते हो। चलो इसके साथ साथ मैं इसका चार्ट सेशन में आ गया, वन डे टाइम फ्रेम में हूँ, कुछ लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। फर्स्ट एक फ्लैग जैसा पैटर्न पूरी तरह से क्रिएट किया। किसी भी शेयर का चार्ट पे आप चल जाओ, आप देख सकते हो वहाँ पर एक पैटर्न वाइज, वो जो चार्ट है एक पैटर्न वाइज मूव कर रहा है, उसी पैटर्न को आपको समझना होगा कि इस लेवल से आप उसको परचेस कर सकते हो। उसका जो रेसिस्टेंस है, उसका जो सपोर्ट एरिया है, ये आपको फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद ही उस शेयर में आप एंट्री कर लो। आप ज़्यादा लॉस नहीं करोगे, हो सकता है कि न्यूज़ बेस्ड शेयर अप एंड डाउन हो सकता है, वो अलग बात है, मगर आपको फर्स्ट उसका जो पैटर्न है, उसका जो ट्रेन है, उसको फाइंड आउट करना होगा। देखो यहाँ पर मैं देखने की कोशिश करता हूँ मंथली टाइम फ्रेम में, आप देख सकते हो यहाँ पर एक पूरी तरह से फ्लैग जैसा पैटर्न क्रिएट किया, तो यहाँ से एक अपर सर्किट आप देख सकते हो। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर डे टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ। चलो यहाँ पर देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल को, ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ किया। ये जो शेयर अभी इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए पूरी तरह से अपर जा रहे हैं। कुछ दिन पहले मैं यहाँ पर HAL लेके एक वीडियो प्रेजेंट किया था, वहाँ पर मैंने बोला था कि इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया में पूरी तरह से आ गया, अभी से इस शेयर को आप परचेस कर सकते हो। ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए ये पूरी तरह से अपर सर्किट दिखा रहे हैं, और ये कितना तक अपर जाएगा चलो मैं यहाँ पर इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये जो अपर जा रहे हैं इसमें भी एक पैटर्न वाइज मूव कर रहे हैं, चलो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ड्रॉ कर लिया, आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो, ये जो सपोर्ट एरिया था इसको बेसिस पे मैं ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। उसके बाद मैं यहाँ पर अच्छे से आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। आप देखो फर्स्ट ये जो शेयर है ये पूरी तरह से इस ट्रेंड लाइन में आ गया था, इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए अभी अपर सर्किट लग रहा है, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ये पूरी तरह से अपर सर्किट जाएगा, और ये कितना तक अपर जाएगा मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये जो शेयर है अपर सर्किट दिखा सकते हैं आपको 7463, इसी लेवल पे ये पूरी तरह से आ जाएगा, लगभग 4 से 5 मंथ में ये जो अपर सर्किट है ये दिखाने वाला है आपको। तो अगर आप चाहते हो इस शेयर में फ्रेश एंट्री करना तो यहाँ से आप कर सकते हो, क्योंकि ये पूरी तरह से एक सपोर्ट लेवल पे है, और 4 से 5 मंथ में ये चला जाएगा। मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया 7463, इसी लेवल को ये दिखा सकता है। अगर आप इस शेयर को पीक में परचेस किया तो यहाँ पर आप एवरेज करके चल सकते हो, और नीचे परचेस किया तो होल्ड कर सकते हो। जो कुछ मैंने इस वीडियो में दिखाया ये मेरा खुद का कैलकुलेशन है, कोई भी शेयर को परचेस करने से पहले आपका खुद का कैलकुलेशन, उसके साथ साथ आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह लो। तो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द को नया वाला वीडियो में, तो टुडे इज ओके, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।